दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा के कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, कई विषयों पर बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एमएसपी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या है वो बयान, जानिए इस रिपोर्ट में। सरकार का इतनी आवश्यकता भी नहीं है और उसका एक सिस्टम बनना संभव भी नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खेती कानून वापसी के ऐलान के बाद पहली बार मुलाकात की। लाजमी था पीएम मोदी से मुलाकात होगी तो खेती कानून और एमएसपी को लेकर चर्चा भी होगी। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से मुखातिब हुए और पीएम मोदी से किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसको विस्तार से बताया। प्रदूषण का विषय जैसे हम जानते हैं कि दिल्ली और आसपास के सब प्रांतों में जिस प्रकार की चर्चा है, उन्होंने पूछा कि उसमें पराली का और बाकी चीज़ों का क्या है, वो हमने उनको बताया है। कुछ सुझाव उन्होंने दिए हैं कि एक बार डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट है एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, उनके साथ बैठ करके कुछ नई योजनाएं उसमें भी बनाई जा सकती हैं। और इसी प्रकार स्वच्छता का विषय भी मैंने उनको बताया कि इसमें हमारे शहरों का जो रैंकिंग है बहुत अच्छा आया है, उसमें हमारे जितने भी शहर हैं या तो स्टार वन, स्टार टू, स्टार थ्री श्रेणी में जो 2021 का भी सर्वे हुआ है उसके अंदर आए हैं, उसके बारे में मैंने उनको जानकारी दी। किसान आंदोलन को एक साल पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि उम्मीद है किसान 29 नवंबर को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर मार्च को रद्द करेंगे। तो किसान आंदोलन का विषय उन्होंने पूछा कैसा चल रहा, क्या चल रहा, तो उसमें मैंने उनको धन्यवाद भी दिया कि ये जो तीन कानून वापसी की उन्होंने घोषणा की है एक तरफा और लोगों में अच्छा संदेश चला गया है, तो इस नाते से वो भी चर्चा हुई है। वो ज़रूर चिंता कर रहे थे कि किसानों को वापस जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो हमने चर्चा भी की कि 29 तारीख को जैसे ही कानून वापस होते हैं पार्लियामेंट में, तो निश्चित रूप से किसान वापस जाएंगे, ऐसा सब तरफ से इंडिकेशन आ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार एमएसपी पर किसानों को शायद लिखित में गारंटी ना दे। इसको लेकर मनोहर लाल ने तर्क दिया है। जो अर्थशास्त्री हैं कृषि के, उन सबको भी अलग अलग राय उनकी आ रही है कि ये किसी प्रकार से कानून बनाना इसमें संभव नहीं लगता है। कारण क्या, कानून बनाने के बाद सरकार के ऊपर ही उनस आ जाता है कि सारी फसल फिर अगर कोई और नहीं खरीदे तो सरकार खरीदेगी, तो सरकार का इतनी आवश्यकता भी नहीं है और उसका एक सिस्टम बनना संभव भी नहीं है। आवश्यकता के हिसाब से ज़्यादा आवश्यकता जितनी होगी उस सरकार खरीदेगी। हरियाणा सरकार पहले से ही, अभी तो केंद्र सरकार की केवल 2 फसलें हैं जो एमएसपी खरीदते हैं, हम तो 12-13 फसलें खरीद रहे हैं, जितनी होती है उसका सबका उपयोग करते हैं। और हमने तो इस बार बाजरा में, क्योंकि वर्षा के कारण से बाजरा खराब हुआ, खराब बाजरे पर भी 600 रुपया प्रति क्विंटल हमने भावांतर भरपाई योजना दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी से हरियाणा से जुड़े कई मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की, लेकिन किसान आंदोलन इस वक्त हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के लिए बड़ा मसला है। इसे लेकर सरकार हर हालत में निपटना चाहती है, लेकिन किसान आगे की रणनीति तैयार कर चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार के प्रति किसानों का रवैया कैसा रहता है, ये भी अहम रहेगा। अनिल मोर, दिल्ली, खबरें अभी तक।